मोदी जी, समिति तो गठित होनी चाहिए और जांच तो होनी चाहिए, पर पता है किसकी जांच होनी चाहिए? आप लोगों की जांच अवश्य होनी चाहिए कि कैसे आप की सरकार की विनाशकारी हैंडलिंग के चलते लोगों की मौत हुई, कैसे संकट गहराया आपकी विफलताओं के चलते, कैसे ये जो घातक प्रभाव थे इनको कम किया जा सकता था अगर उचित कदम समय रहते उठाए गए होते। जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर बैठाइए एक समिति, बैठाइए एक कमिटी, और अगर दम है तो कराइए ये जांच आज से ठीक 6 हफ्ते पहले। और ये साइंटिफिक बात है, आज दो चीजें उजागर हुई है, इसके बारे में हम जरूर एम्फोसाइज करके बोलना चाहते हैं। आज से ठीक 6 हफ्ते पहले सरकारी शोधकर्ताओं ने, सरकारी रिसर्चर्स ने, सरकारी साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के म्यूटेशन, जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं, डबल म्यूटेशन के बारे में और उसके संभावित जोखिमों के बारे में सतर्क किया था, आगाह किया था। 6 हफ्ते के बाद अंततोगत्वा स्वास्थ्य मंत्रालय को यह स्वीकार करना पड़ा कि ये जो तथाकथित दोहरा उत्परिवर्तन या जो डबल म्यूटेशन हुआ है वायरस का, उसी की वजह से कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, इतनी जबरदस्त उसका संक्रमण फैल रहा है 6 हफ्ते बाद। अगर यही समय रहते कर लिया गया होता तो शायद प्रोसीजर्स, शायद मापदंड बदल सकते थे। आप साइंटिफिक कम्युनिटी की बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये समझ के परे है। आज सरकार के प्रिंसिपल वैज्ञानिक सलाहकार, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री डॉक्टर राघवन ने चेताया है कि जिस तरह से वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, तीसरी वेव आना इनएविटेबल है, तीसरी वेव आएगी और उससे लड़ने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हम आगाह करना चाहते हैं सरकार को और पूछना चाहते हैं क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं सरकार में? वो कौन से लोग हैं जो इस कम्युनिटी से, साइंटिफिक कम्युनिटी से, रिसर्चर से, विशेषज्ञों से, डॉक्टर से लगातार बात कर रहे हैं, जो जीनोम देख रहे हैं, जो जीन म्यूटेशन देख रहे हैं, जो अलग अलग म्यूटेशन जो अब देश में हो रहे हैं, रेजिस्टेंट हो रहे हैं, उनके पैटर्न्स देख रहे हैं? ये सिर्फ ताली बजाने से वायरस नहीं जाएगा, ना थाली बजाने से जाएगा, ये वायरस प्रॉपर स्टडीज, जीनोम, डबल म्यूटेशन, नए वेरियंट्स, इनके पीछे पड़ने से जाएगा। इसके बारे में कौन कर रहा है? क्योंकि ये बात सच है कि जब वो तीसरी वेव के बारे में श्री राघवन जी बताते हैं, इन लोगों ने दूसरी वेव के बारे में भी आगाह किया था, लेकिन उसको अनदेखा किया गया और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है।